संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने दशकों पुराने इजराइल फलस्तीन के बीच चल रहे विवाद के समाधान की दिशा में प्रगति की उम्मीद जताई है। गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विवाद के हल के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर आधारित एक वास्तविक शांति प्रक्रिया की बहाली के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका प्रशासन का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां से प्रगति की उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो बाइडेन प्रशासन में इजराइल और फलस्तीन का विवाद सुलझ जाएगा।